नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल मेडिसिन फ्रेंड में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लू कप सिरप के बारे में और जानेंगे इसके फ़ायदे, नुकसान और इसको इस्तेमाल करने का तरीका। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच जाए। चलिए देर ना करें, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। बात करें फ्रेंड्स ब्लू कप सिरप के यूजेस के बारे में, तो ये मेनली बलगम वाली खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी हो रही है, खांसी के साथ बलगम भी आ रहा हो, चेस्ट में उसको खांसी के साथ आवाज़ भी आ रहा हो, गले में इरिटेशन हो रहा हो, इतनी खांसी आए कि व्यक्ति को सांस लेने में मुश्किल हो रहा हो, तो इस प्रकार की खांसी में आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया हो, जिसके कारण उसके बॉडी में एयर पास ना हो पाता हो, उसमें भी ये दवा डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ में कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा हो या कोई भी प्रकार का धूम्रपान कर रहा हो, जिसके कारण से उसके चेस्ट में स्पुटन बलगम जम गया हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बार बार उसको खांसी आ रही हो, तो उस प्रकार की खांसी को रोकने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आइए पहले जानते हैं ब्लू कप सिरप कौन सी कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस क्या है और इसके अंदर कंपनी ने कौन कौन से कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ब्लू कप सिरप को एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। बात करें इसकी प्राइस के बारे में, इसकी प्राइस है 81 रुपीज़ में, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी और ये 100 ml के पैक में आता है। बात करें फ्रेंड्स इसके कंपोजिशन के बारे में, जो मेनली कंपनी ने इसमें ऐड किया है टेराबुटालिन सल्फेट 1.5 mg, ग्वाफेंसिन 50 mg, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, मैंथॉल 0.5 mg। फ्लेवर सिरप बेस है ये, जो मिलके बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। बात करें फ्रेंड्स इसके डोजेस के बारे में, तो आप इसे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, वो भी 10 ml। और अगर 6 साल के ऊपर के बच्चा है, उनके लिए 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं उनको। डोजेस के लिए आप अपने डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस सिरप को लेने के बाद आपको सिरदर्द हो सकता है, नींद आ सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकता है। अगर ऐसी कोई सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो आप इस सिरप का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस सिरप को इस्तेमाल करें। ये था फ्रेंड्स ब्लू कप सिरप के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको इस रिलेटेड और भी कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाई के बारे में जानकारी मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।